आज ही हमारे ट्रिप का लास्ट डे है, तो हम लोग सुबह 6 बजे उठे हैं। अपना सामान वगैरह पैक करके कुंडबांडा एक पास में जगह है, 40 मिनट्स की हाइक है, वो हम लोग मिस नहीं करना चाहते थे। तो हम लोग अपना सामान वगैरह पैक करके अब निकल गए हैं कुंडबांडा के लिए। तो अभी तो जगह कैसी है तो जाके पता लगेगा। बॉयज़ जो हैं वो कल 8 घंटे की हाइक के बाद भी फ्रेश AF हैं। क्यों शाह जी? जाहिर सी बात है, कंटिन्यूस 4 दिन से हम लोग मुसलसल ट्रैकिंग ही कर रहे हैं, तो इसकी जो हाइकिंग का ट्रैक है वो कुछ यूं है। नीचे की तरफ डाउन द हिल ट्रैकिंग है, यहाँ पे सही पता लग रहा है कि ये काफ़ी मुश्किल ट्रैक है, बिल्कुल वर्टिकल है। इधर आपको सुबह का टाइम है तो ट्रैक थोड़ा सा स्लिपरी हुआ है, यहाँ पे आपको हाइकिंग स्टिक की ज़रूरत लाजमी पड़ती है जो कि हमारे पास नहीं है। और जी फाइनली हम कुंडबांडा आ गए हैं। 35-40 मिनट्स की हाइक हम लोगों ने 20 मिनट्स में कवर की है, और यहाँ पे आके बस जो फीलिंग है वो प्राइसलेस है। बल्कि मैं कहूँगा अगर आप कुमराट आएँ तो आप जहाज़ बांडा लाजमी विज़िट करें, और अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप कुंडबांडा ना मिस करें। तो जी आधा घंटा स्टे करने के बाद कुंडबांडा में अब हम लोग वापस जा रहे हैं, चाय वगैरह पी के यहाँ पीछे बेंच पे बैठ के इस नदी के पास। सनी साहब क्या फीलिंग थी सर? नहीं बयान हो पा रही, नहीं बोला पा। चल कोई बात नहीं, एक्टिंग की भाषा हुई कोई बात नहीं। कुंडबांडा से वापस ऊपर आने के बाद हम लोगों की ये हालत हुई है, तो मेरी एक एडवाइस है कि अगर कुंडबांडा जाएं लाजमी देखें, जगह विजिट करने वाली है, लेकिन सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा बस इतना स्टे करके वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत मसला है। आपने बिल्कुल चढ़ाई उतरनी है, बार क्लाइम अप करनी है, तो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, इसलिए हम लोगों का भी ये हाल हुआ है। तो अगर आप लोग वहाँ पर रात रुकेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ रात गुजारना। Thank you.